शांति। आज हम मीठे बाबा के 22 अक्टूबर 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो पढ़ते हैं, मालूम है पढ़ाई से इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बनेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पूछेंगे, कोई रिद्धि सिद्धि कर दें, कोई छू मंत्र दे दें जिससे हम पास हो जाएं। तो बाबा कहते, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मनुष्य से देवता बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। कोई रिद्धि सिद्धि छू मंत्र इसमें काम नहीं करता। प्रश्न है, देवताओं को अकलमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? तो बाबा कहते, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है, है ना। जब अकल होगी तो अपने गुणों को प्रयोग कर गुणवान बनेंगे ना। जब बेअक्कल बनते हैं तभी तो अवगुणों को देखते, अवगुणों को धारण करते अवगुणवान बनते हैं। देवताएं अकलमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनकी बैटरी चार्ज है ना, आत्मा फुल सतो प्रधान है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है, क्योंकि आत्मा की वैल्यू है। आज देखो कोई वैल्यू नहीं है ना, आज तो पेड़ की वैल्यू है, प्रकृति की वैल्यू है, जानवर की वैल्यू है, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है ना। मनुष्य को कोई भी कभी भी कहीं भी मार देता, क्यों? क्योंकि आत्मा ऐसे प्रतीत हो जाती तो वर्थ और नॉट अ पेनी हो जाती। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल। अकल भी चट हो गई, गुण भी ख़त्म हो गए और आत्मा डिस्चार्ज हो गई तो वैल्यूलेस हो गई, वर्थ पेनी बन गई। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। अब पढ़ाई के तो एम ऑब्जेक्ट होते हैं, तो बाबा कहते, एक तो समझना है कि ये पढ़ाई है, यहाँ कोई रिद्धि सिद्धि छू मंत्र नहीं है। दूसरा, बाबा कहते, पढ़ाई से कौन सा पद मिलता तो हम नर से नारायण बन जाते। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं ना, सत्संगों में जाते हैं, कहते आशीर्वाद कर दो, है ना, या सर पर हाथ रख दो या कोई छू मंत्र दे दो। लेकिन बाबा कहते, ये स्कूल व यूनिवर्सिटी है, यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। कौन सी पढ़ाई है ये, मनुष्य से देवता बनने की। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है, इसलिए यहाँ सुप्रीम बाप भी टीचर कहलाते हैं। भगवान उवाच है भी गीता, है ना, गीता में ही लिखा है भगवान उवाच, तो भगवान ज़रूर आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसी का नाम गीता है। तो यहाँ पढ़ाने वाला बाप बैठे हैं और जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सच्ची गीता, क्योंकि इसी गीता से हम राजाओं का राजा बनते हैं। दूसरी कोई बात नहीं है, गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं हैं, गीता कोई हाथ में नहीं है, ये तो भगवान उवाच है। बाबा कहते, यहाँ कोई गीता पढ़कर बाबा नहीं पढ़ाते, ये तो भगवान उवाच है, खुद ज्ञान का सागर है, मुख से उच्चारण करते जाते वही गीता कहलाते। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, है ना, मनुष्य मनुष्य है, पुनर्जन्म लेने वाला, और भगवान तो ऊंचे ते ऊंच, ज्ञान सागर, पतित पावन है। तो बाबा कहते, भगवान ऊंचे ते ऊंच एक ही है,
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये है सारी यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स का भी बाबा हमें ज्ञान देते कि मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन, तीन लोक। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता, नाटक यहाँ ही चलता है। और बाबा कहते इन तीनों लोकों में भी नाटक बस इसी सृष्टि रंगमंच पर स्थूल वतन में है, और बाकी मूल वतन तो घर है और सूक्ष्म वतन तो बस साक्षात्कार अर्थ है। तो बाबा कहते 84 का चक्र भी यहाँ है, इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। तो आज बाबा बहुत अच्छे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ना, ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाने वाला भगवानुवाच गीता सुना रहे हैं भगवान खुद बैठकर। और बाबा कहते तीनों लोकों का भी ज्ञान चाहिए, फिर ये भी समझना है खेल यहीं चलता है, इसी स्टेज पर 84 का चक्र चलता है। ये बना बनाया खेल है, ये भी समझने की बात है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। अभी तक हमें रावण मत मिली, तो उस रावण मत से हम अभी ईश्वरीय कार्य को या बाबा की नॉलेज को नहीं समझ सकते। तो बाबा कहते मैं तुम्हें ईश्वरीय मत नई बात सुना रहा हूँ, तो इसलिए हर बात को अच्छी रीति सुनना और समझना होता है। जो अब तक सुना समझा है उससे ये बात अलग है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं, है ना, बाबा से हमें क्या मिल रही, मत मिल रही है। इसी मत को धारण करने से, इस पर चलने से हम देवता बनते हैं, कोई और बात का महत्व नहीं है। यहाँ तो श्रीमत को समझना, जानना, समझना और चलना, इसी का महत्व है। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये टाइटल अनेकों के नहीं है, एक सर्वशक्तिवान के हैं। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं, है ना, बाबा ही हमें आकर समझाते क्यों उनको सुप्रीम अथॉरिटी कहते। क्योंकि चाहे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, चाहे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, ये हर बात पर जो सत्य ज्ञान है वो बाबा ही देते हैं, कोई और नहीं। जो ज्ञान की अथॉरिटी हो या गुणों की हो या शक्तियों की हो, तो बाबा ही हाईएस्ट सुप्रीम परम शक्तिवान है, चाहे वो ज्ञान की बात हो, गुणों की या सर्वशक्तियों की। तो बाबा कहते अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते, ये मनुष्य नहीं समझते क्योंकि वो सब है तमो प्रधान, इसको कहा ही जाता है कलयुग। मनुष्य परमात्मा को कलयुग में नहीं समझते, समझते तो फिर कुछ तो उस समझ की शक्ति से, है ना, उनके अंदर भी कुछ विशेषता आती। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सत्ययुग है और कोई के लिए त्रेता, नहीं, अभी सब के लिए कलयुग है, सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए संगम युग नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, है ना। अगर ऐसा कहता भी है तो ये अज्ञान के शब्द है, अभी रियलाइजेशन नहीं है, घमंड में चूर होकर बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो धरती हिलती है ना, घमंड जिस बात का है, जैसे उसमें हलचल होती है, तो फिर एकदम से समझ आता है कितना नरक है। क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है, तो धन दौलत वाले को ज़्यादा ये रहता हमारे लिए स्वर्ग है, लेकिन ज़रा धन दौलत में ऊपर नीचे हुआ तो जैसे नरक का अनुभव वो करते, वैसा कोई नहीं करता, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी नरक है तो सबके लिए नरक है, ये तो बना बनाया खेल है। सत्युग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं सत्युग तो अभी कितने 5000 वर्ष हो गए सत्युग को, अभी तो सत्युग हो भी नहीं सकता। सत्युग क्या, त्रेता भी नहीं है, द्वापर भी नहीं है, अभी तो कलयुग का भी कहेंगे अंतिम चरण है। ये सब समझने की बातें हैं, है ना, क्योंकि नई बात है तो बुद्धि में विचार सागर मंथन करते हैं, तब जाकर बुद्धि में समझ आती है। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सत्युग में इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। भारतवासी उस समय सत्युगी कहलाते थे,
है ना, उस समय भारतवासी ही सत्युगी कहलाते थे, देवता, देवी देवताएं, सत्युगी, ये सारे नाम भारतवासियों के ही थे। वही मनुष्य भारत में जो रहते थे उस समय सत्युगी या देवता कहलाते थे। अभी ज़रूर कलयुगी कहलाएंगे। सत्युगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, मनुष्य भी देवता ही सत्युगी और दुनिया भी स्वर्ग। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे, है ना, कई ऐसे कहते हैं कि सोचो ये स्वर्ग है, नहीं ये नर्क है, अब स्वर्ग बनाना है, इसी को स्वर्ग नहीं समझना है। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत, कहते हैं ना दुख को ही सुख समझ लो, नर्क को ही स्वर्ग समझ लो, नहीं, वो नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप की याद में रहकर नर्क को स्वर्ग बनाओ। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ, परंतु विवेक कहता है कि नहीं ये तो है ही नर्क, तो जब नर्क है तो सभी नर्कवासी है ना। भल किसके पास 10-20 लाख हो, उस समय का 10-20 लाख माना अभी तो करोड़ों, तो बाबा कहते परंतु ये है ही रोगी दुनिया। अब कितना भी कोई धनवान हो लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि रोग से अकाल मृत्यु से बचे हुए हैं, तो फिर ये दुख की दुनिया में दुख तो है ही ना, हमेशा तलवार तो लटकती रहती है सर पर। तो बाबा कहते सत्युग को कहेंगे निरोगी दुनिया, वहाँ रोग शोक है ही नहीं। दुनिया तो यही है, सत्युग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, है ना। उस समय भी ऐसा नहीं पहनते नहीं खाते नहीं, लेकिन भोगी नहीं होते, है ना, ऐसा नहीं कि आत्मा लिपायमान होती है, उस समय योगी है आत्मा, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर हर कर्म करते हैं। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। आजकल तो कोई वस्तु नहीं है भोगने के लिए, तो संकल्प से भी भोग लेते, है ना, इतना भोगवाद हो गया है। वहाँ है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता, यहाँ तो संकल्प में भी विकारों से भोगवाद शुरू हो जाता है ना, कर्मों से सिर्फ विकारों को नहीं भोगते लेकिन संकल्पों से भी भोग लेते। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं है, टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? हाँ टीचर को कहेंगे आप कोई जादू करके दिखाओ, नहीं, यहाँ तो बाप बैठे पढ़ाते हैं, यहाँ बाबा शक्ति दिखलाएं तुम्हें छू मंत्र दें ऐसी बातें नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट रहता है हम फला बनेंगे, तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, है ना, जैसे वो स्कूल होता है ऐसे ये रूहानी स्कूल है, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ेगा सो बनेगा। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है, ये तो स्कूल है, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है, सारा मदार पढ़ाई पर है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। इसलिए इस स्कूल में अभी क्या बनना है, सबसे पहले तो पवित्र, पवित्र बनने के लिए तो है ना योग का बल चाहिए, पवित्र जरूर बनना है। ये है ही पतित पुरानी दुनिया, तो यहाँ तो पतित बनना नॉर्मल है ना, पतित को पतित नहीं समझते, लेकिन बाबा कहते अभी तुम्हें पतित और पावन का अंतर समझ, पावन बनना है योग बल से। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, है ना, अभी भी सोचते हैं कि लाखों वर्ष के बाद जाकर घोर कलयुग आएगा और कलयुग के बाद ही सत्ययुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, बाबा कहते अभी हमें तो समझ आ गया, हम तो कलयुग अंत सत्ययुग आदि के बीच में बैठे हैं, कोई लाखों वर्ष नहीं, ये तो आज और कल की बात है, इस संगम का किसको भी पता नहीं है, है ना। बाबा कहते ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, सत्ययुग को लाखों वर्ष दे देते हैं, ये बातें बाप आकर समझाते हैं कि सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग की क्या आयु है, हम अभी कहाँ बैठे हैं, कितनी देरी है, घड़ी दिखाते हैं ना बाबा 12 बजने ही वाले हैं। तो बाबा कहते दूसरा कोई, बाबा कहते उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल,
सुप्रीम सोल ही आकर सत्य बातें सत्य मत देते हैं। बाकी दुनिया में तो कई प्रकार की मतें चली आती हैं। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं, है ना। शिव बाबा ही कहेंगे, बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, ना, भक्ति मार्ग में भी मंदिर बनाया है, शिव बाबा कहते भी हैं। पर फिर भी ऐसे नहीं कि शिव बाबा को याद करते वर्षे की खुशबू आए, मंगते का मंगता ही रहते और भक्ति भी करते रहते। यहाँ तो बाबा आते हैं तो नशा चढ़ाते हैं कि मैं तो परमात्म संतान हूँ, बाप के खजाने का बालक सो मालिक हूँ। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है, उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। ये शरीर तो यहाँ की चीज़ है, वो है शिव और तुम हो सालिग्राम। परमधाम में हम कैसे शिव बाबा और सालिग्राम बच्चे, फिर हम यहाँ आए शरीर लिया और धीरे धीरे देह भान में फंस गए। वैसे तो हम आत्मा हैं और वो बाबा हैं दोनों निराकार। शिव और सालिग्रामों की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं। शिव बाबा कल्याणकारी पतित पावन ने आकर नर्क से स्वर्ग बनाया और हम बच्चे भी राइट हैंड बने, तो इसलिए पूजा भी यादगार रूप में होती है। कुछ करके गए हैं तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। तो अभी हम बाबा के कर्तव्य को भी जानते हैं कि बाबा हर संगम युगे आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं और वो सालिग्राम बच्चे जो उनके साथ साथी सहयोगी बनते उनकी भी साथ में पूजा फिर होती है सालिग्राम रूप में। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है, इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए, है ना। मनुष्य को कितना दर्जा दे दिया गया है। जो अच्छे अच्छे बाबा कहते यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए। अब तो हम नॉलेजफुल हो गए हैं, अब हमें ऊँचे ते ऊँच का परिचय मिला है। दुनिया में तो है ना नामी ग्रामी धनवान बुद्धिवान साधु संत इन्हीं को, मनुष्य को ही ऊँच दर्जा देते हैं, नामाचार निकालते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि ऊँचे ते ऊँच जिस एक की महिमा होनी चाहिए, गायन पूजन वंदन होना चाहिए, वो कौन है, एक शिव बाबा। तो बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ा कौन है, ऊँचे ते ऊँच तो एक भगवान ही है, वो है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा कहते देवताओं की महिमा अलग है और मनुष्यों की अलग है, है ना। देवताओं की महिमा भी अलग, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और बाबा कहते परमात्मा की महिमा तो पतित पावन ज्ञान सागर गति सदगति दाता बीज रूप, ये महिमा तो न देवताओं की न मनुष्यों की। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना। अभी मनुष्य अपने लिए क्या कहते हैं, हम तो मूर्ख फलकामी नीच पापी, है ना। बाबा कहते वे तो पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। पूजा करने लायक कौन है, जिनकी आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं, तो ऐसे तो देवता हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे, अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं, ये नियम है। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है ना, पतित बनती है तो सबको पाँव पड़ना पड़ता है, इसलिए देवताओं की पूजा क्यों होती, क्योंकि वो पवित्र हैं। पतित बनते हैं तो अपने ही पूर्वज स्वरूप की पूजा करते हैं जो पवित्र था। इस समय सब है पतित, सत्युग में सब पावन थे, वो है ही पवित्र दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया, तभी तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना, दुख में बुलाते हैं, क्योंकि पतित बने तो दुखी बने, सत्युग त्रेता में थोड़ी पुकारते हैं, सुख में सिमरण कोई ना करे। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं, बाप खुद कहते मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है, बाप आते भी भारत में है,
भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। बाबा कहते बाकी तो सब बाय प्लॉट है, मेन प्लॉट भारत है। भारत पावन बनता तो विश्व पावन बनता, भारत पतित बनता तो सब पतित बनते। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो, है ना। बाबा कहते हैं अभी भी कुछ ना कुछ चित्र तो रखे हैं जिनसे आइडिया मिलता है कि देवता कैसे थे। देवताएं सब हैं पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। वैसे तो देवता कोई 1, 2, 4, 10 तो नहीं होंगे ना, पूरी राजधानी होगी, देवताओं का तो पूरा राज्य होगा, लेकिन बाबा कहते मुख्य मुख्य के मंदिर बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, सभी देवता थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसा नहीं राजा रानी देवता प्रजा साधारण नहीं, सब देवी देवता। इस समय सब पतित हैं, सब पुकारते रहते हे पतित पावन आओ, है ना। चाहे कोई राजा हो चाहे रंक हो, हर कोई पुकार रहा है ना पतित पावन आओ, क्योंकि सब पतित हैं। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। सन्यासी तो ब्रह्म को से योग लगाते हैं, वो कोई देवता या भगवान किसी की याद उनके दिल में नहीं। सुनाएंगे बल गीता लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, है ना, याद वो ब्रह्म को करेंगे। वो समझते भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है, लेकिन वो भगवान का परिचय ना होने के कारण ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं। उनका एक्यूरेट नाम शिव है, अभी बाबा आकर बताते हैं। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और नाम भी कौन सा है, विनाशी, क्योंकि हर जन्म में नाम बदलता है, क्योंकि नाम तो शरीर का है। बाबा कहते आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी और राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वो है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं, है ना। सचखंड में सब कुछ सच्चा होता है, बोलना चलना देखना सुनना पवित्रता है, सत्यता पवित्रता है। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठखंड ही फिर सचखंड बनता है। कब, जब सच्चे बाबा आकर सत्य मत देते हैं और सत्य कर्म सिखलाते हैं। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह ट्रूथ कहा जाता है। ये है ही झूठखंड, मनुष्य तो जो कहते हैं वो है झूठ, है ना, सारा झूठ भरा पड़ा है, और झूठ को ही सत्य समझते हैं तो अंदर भी झूठ भर जाता है। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है ना, तो जो दैवी गुणवान थे अकलमंद थे उनको बेअकल बैठकर पूछते हैं। अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं। देखो अकलमंद अभी बाबा बनाते हैं, जब बाबा हमें अकलमंद बनाते हैं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमें बुद्धि देते हैं, तो हम ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप होने की चॉइस लेते हैं। और बेअकल होते हैं जो अपने ही कर्मों से अपने गुण शक्तियों को ख़त्म करते जाते हैं। तो बाबा कहते ये भी बाप बताते, अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप, वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, तो बाबा कहते मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते मैं अपना तन में प्रवेश नहीं करता, मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ, वो भी एक ही बार, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम जानते हो वो है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है, है ना। सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये एक बाबा ही है। इसलिए तो बाबा आकर इतनी बड़ी दुनिया को नर्क से स्वर्ग बना देते। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है,
लक्ष्मी नारायण भी शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। बाबा कहते हैं बलिहारी एक बाप के, ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है। बच्चे बनते हैं, जो भी बनते हैं बाप के द्वारा बनते हैं, तो वहाँ भी बच्चों की महानता भी बाप के कारण है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके, पतित पने से अपने गुण शक्तियाँ खुद ही अपने कर्मों के द्वारा खत्म कर देते। आत्मा में जो शक्ति रहती है वो फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है, अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वो तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। क्योंकि जैसे देह अभिमान में आते हैं, देह अभिमान के वश जो संकल्प बोल कर्म रचते, रावण मत के आधार से जो भी कुछ करते, उससे अपने ही कर्मों से अपनी शक्तियों को गंवा देते। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है ना, ये बैटरी आत्मा रूपी बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ, ये 5,000 वर्ष में डिस्चार्ज होते हैं। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठप पड़ जाती है। अभी देखो कैसा हो गया, मनुष्य कैसे ना जोम्बी जैसे होते जा रहे, कोई ना अकल काम करती है, ना गुण है, ना वैल्यूज़ है, कुछ नहीं। मनुष्य है पर जैसे वर्थ नॉट अ पेनी, क्योंकि बिल्कुल अक्ल ख़त्म हो गई है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है। कहते हैं हम अपने मन को मैनेज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी को मैनेज नहीं कर सकते, जो विश्व के मालिक थे सबको मैनेज करते थे, है ना, आज क्या हाल हो गया। तो ताकत कम हो गई है ना, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। फिर बाबा आकर धर्म की स्थापना करते हैं, ताकत भरते हैं, आत्मा को ज्ञान देकर, याद का बल भरकर, पवित्र बनाकर, फिर से वर्थ पाउंड बनाते हैं। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं, क्या ताकत थी, कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। जिसमें ताकत होती वो लड़ता नहीं, लड़ता तो कमज़ोर और इनसिक्योर है ना। ताकत मिलती सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज़ है ना, ये विचार करो ताकत क्या है। तो आत्मा में जो ओरिजिनल गुण शक्तियाँ हैं वो आत्मा की ताकत है, और जब ये ताकत ख़त्म हो जाती तो बाबा ही आकर हमारा रिचार्ज करते, वो भी बाबा हमें विधि बताते। रिचार्ज तब होगा जब हम बाबा की विधि अनुसार, मत अनुसार पुरुषार्थ करें। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है, विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते, है ना, योगी से भोगी बना देते। कहाँ हम विश्व पर राज्य करने वाले, कहाँ हमें इंद्रियों का, प्रकृति का, हर एक चीज़ का गुलाम, अपने मन के भी गुलाम बन जाते। विकार ऐसे हाल कर देते हमारा, इसलिए भारतवासी कंगाल पन पड़े। और जब अपनी ताकत नहीं तो प्रकृति भी हमें अपने पीछे दौड़ाती, हर एक पीछे दौड़ाता, कंगाल बन गए, मंगता बन जाते। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वो ताकत नहीं है, उनकी बनाई मशीन में ताकत है, उनमें ताकत नहीं है। ये रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है ना, साइंस विनाश की सामग्री बनाती है और साइलेंस योग बल से स्थापना का कार्य करती। तुम साइलेंस में जाते हो उसका तुमको बल मिल जाता है। साइलेंस में बाबा की याद में हम ताकत भरते जाते हैं, साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो, सुना, जितना बाबा की याद से ताकत भरेगी आत्मा जैसे भरपूर होगी तो शरीर से आप ही डिटैच होगी। जैसे किसी के पाँव में ताकत आ जाए तो लाठी आप ही छूट जाती ना, ऐसे ही शरीर भी लाठी है। जैसे आत्मा में ताकत आ जाती तो आत्मा इस लाठी को जैसे
ना, होए भी तो न्यारी हो जाते इससे, डिटैच। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं है, क्योंकि दे हर रास्ते से पहुंच सकते हैं, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो फिर परिचय ही नहीं, तो फिर योग किससे लगाएं? तमो प्रधान बन गए हैं, तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज समझो। बाबा कहते हैं यहाँ तो मुख्य बात है सृष्टि चक्र की नॉलेज समझने की और पवित्र बनने की। योग बल से पवित्र बनो और पढ़ाई को धारण करो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। बाबा बाबा जो सबसे बड़ी शक्ति देते, जो सबसे बड़ी पालना देते, वो क्या है? ज्ञान रत्नों की पालना, ज्ञान की शक्ति। बच्चों को ये पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, ये बेहद का ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं एक्टर को अपने पार्ट का ही नहीं पता, ड्रामा का ही नहीं पता, अभी पता पड़ा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बायोस्कोप बने हैं, है ना, अभी तो रिकॉर्डेड फिल्म्स बनती हैं। बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल देकर समझाना सहज होता है। तो बाबा कहते हैं समय अनुसार ऐसी चीज़ें भी निकल आई जिससे समझाने में सहज होता, कि ड्रामा कैसा, ऐसा बना बनाया है बायोस्कोप जैसा, नाटक जैसा नहीं, नाटक में तो फेर बदल हो जाती है। वो छोटा बायोस्कोप, यह है बड़ा, है ना, बेहद का ड्रामा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, ये तो अनादि ड्रामा है, एक बार जो शूट हुआ है वो फिर बदल नहीं सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बायोस्कोप है, शक्ति की कोई बात ही नहीं है कि बाबा कृपा करें, शक्ति दें, आशीर्वाद दें। बाबा नॉलेज दे रहे हैं, जो उस नॉलेज को जितना समझ कर धारण करेंगे और जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना शक्ति भरेगी। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना, उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गए? कौन है अम्बा? है ना, मम्मा। तो मम्मा ने भी क्या पार्ट बजाया, वो तो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम समझते हो कि ऊंचते ऊंचे अम्बा और लक्ष्मी, वही मम्मा जो कल लक्ष्मी बनते, है ना। मनुष्य सृष्टि में भी ऊंचते ऊंच कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनते हैं, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं, वो पवित्रता आधा कल्प फिर चलते हैं, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। पूरा चक्र कैसा, आधा कल्प पवित्रता, फिर देह भान आता, सारा कुछ चट हो जाता, फिर बाबा आकर रास्ता बताते। उनको बुलाते इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो, रास्ता भी बताओ, हम पावन बने, फिर गाइड बनकर साथ वापस भी ले जाओ। वो है परमात्मा, सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनते। सुप्रीम तो पवित्र को कहा जाता है, अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वो एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसीलिए बाबा कहते हैं ना मनुष्य मनुष्य को वर्षा नहीं दे सकता, एवर पावन ही आकर पतित को पावन बनाते, क्योंकि एवर पावन बस एक है, बाकी सब पतित बन जाते। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना। शिव बाबा को भी देखो आकर बोलना पड़ता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, भागीरथ कहते हैं, गाते हैं भाग्यशाली रथ, तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं, है ना। श्री कृष्ण को भी रथ पर दिखाया, भागीरथ ने गंगा लाई कहते हैं। बाबा कहते हैं ये है वो रथ, वो शरीर जिसमें मैं अवतरित होकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ, पावन बनने की विधि बताता हूँ, वे घोड़े गाड़ी पर नहीं आता मैं। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए, उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ कर दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है,
यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती, क्योंकि आत्मा जब तमोप्रधान बन जाती है तो जानवर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। बाबा ने कहा ना, वर्थ नॉट अ पेनी हो गई आत्मा, तो कुत्ते को कितना प्यार करते, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते, गाय के लिए कितना मान है आज, है ना, लेकिन इतना मनुष्य के लिए नहीं है। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, वो सब वहाँ होते नहीं, ये सब बातें वहाँ नहीं होंगी, है ना। देवताएं कोई कुत्ते और जानवरों की बैठकर एग्जीबिशन करेंगे और पालेंगे ऐसा नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या, सोचो, सुनने में भी कैसा लगता है। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले कुत्ते पालते हैं, ये ठीक है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमोप्रधान बुद्धि हैं, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसे होते नहीं जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे, वहाँ तो प्रकृति आत्माओं की सेवा करती है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान हो गई। अभी आत्मा गिर गई तो प्रकृति ऊपर हो गई, तो प्रकृति की आत्मा सेवा करने लगे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है, रावण ने ये हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो अब जिन विकारों के कारण हमारी ऐसी हालत हुई, उन विकारों को तो एकदम छोड़ देना चाहिए ना, उन विकारों का अभी रस लेना चाहिए क्या। परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है, शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है, हैं। रावण भी परंपरा से, शिव भी परंपरा से नहीं। बाबा कहते शिव बाबा तो संगम युगे आते हैं और रावण हर द्वापर युग में प्रवेश करते हैं। बाप बतलाते त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। अपनी पर्सनल ऐसी क्यों दुश्मनी है कि हर वर्ष जलाते हैं। तो रावण तो हर एक का दुश्मन है। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वो देवता बन न सके, सुन लिया, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होना है, यहाँ कोई और बात है ही नहीं। वो फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। सुना, बाबा कहते बच्चा बनाए पर पढ़ेंगे नहीं तो रावण राज्य में आएंगे, स्वर्ग का मुख देख भी ना सके। अभी तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते मैं हर 5,000 वर्ष तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, सिर्फ एक थुर था, फिर कितनी टाल टालियाँ निकली, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना, कोई पढ़ कर नहीं पढ़ाते, नॉलेजफुल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, साइलेंस का बल जमा करना है, साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है, बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है, पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। वरदान है अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा कहते बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। विश्व की तुलना में हर एक बच्चा अति विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना, ना बाप को जानते, ना उस ड्रामा को जानते जिसमें पार्ट बजाते तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो और हमने तो पा लिया, प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया,
ना, जंगल में रहने वाले भी जिस पवित्रता को मुश्किल समझते, वो तो हमने प्रवृत्ति में रहते स्वधर्म की तरह अपना लिया, तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए ना। तो जो बाप को जान पवित्र बनते हैं वो विशेष आत्मा, विशेषता पवित्रता की है। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। आज हर एक कोई क्या चाहता है? खुशी चाहता है। कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मिलना जुलना पसंद नहीं करता जिसके पास खुशी ना हो। तो जो खुशहाल है, जो सुख के सागर की याद में, सुख के सागर की श्रीमत पर चलकर अपने को खुशहाल रखते हैं, उनसे हर एक संबंध संपर्क में आते हुए खुशी का अनुभव करते हैं और वो सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 22 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त इशारे। जब आपस में दिलों का मिलन होगा तब आपके संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे, फिर प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा अब संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। ये संकल्प करो, मैं एडजस्ट करूँ, मैं झुकूँ और मैं संस्कार मिलन करूँ, तब जाकर ये रास होगी। वरना हर कोई कहता है हम तो रेडी हैं, बस झुके सामने वाला। लेकिन बाबा कहते हैं अगर ये संस्कार मिलन की रास नहीं होगी तो बाप की प्रत्यक्षता भी डिले होती जा रही है। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। पहले तो एडजस्ट करने की विलिंगनेस हो कि मैं एडजस्ट करूँ, तब जाकर संस्कार मिलन की रास होगी। अच्छा, ओम शांति।